वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में आई आपदा में प्रभावित हुए यूपी के परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग जिनकी आपदा में मौत हो गई, उनके पार्थिव शरीर उत्तराखंड से लाने की व्यवस्था की जाए, घायलों के समुचित इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुँचाई जाए। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ है, हर संभव राहत उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी यहां पर बात हुई है, उन्होंने इस बात का भी यहां पर जिक्र किया है और पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, ये भी उन्होंने निर्देश वहां पर तमाम अधिकारियों को दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी के चलते पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए खीरी जिले से गए लापता लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। फिलहाल ये संख्या 30 से बढ़कर 34 हो गई। लापता 34 लोगों की कोई सूचना न होने की एक लिस्ट जिला प्रशासन ने जारी की। जिला प्रशासन ने इस लिस्ट को उत्तराखंड के अधिकारियों से शेयर किया, जानकारी जुटाने का प्रयास हो रहा है। लापता लोगों की जानकारी देने लेने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके तहत 3 नंबर जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ लापता लोगों का सुराग न मिलने से उनके परिजन बेहद परेशान हैं। अधिकारी उन्हें ढांढस दे रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। सूचना है उसके हिसाब से 34 लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके परिवारजनों का। उन 34 की लिस्टिंग करके चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है और हम लोग भी निरंतर मंडलायुक्त सहारनपुर और वहाँ के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। इस जिले से भी श्री अमरेश कुमार SDM पलिया को भेज रवाना किया जा चुका है, जो वहाँ पर असाइन तक पहुँच जाएंगे और वहाँ के सारी एक्टिविटीज जो हमारे ज़िले से रिलेटेड होंगी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी हम लोगों ने कंट्रोल रूम खोल दिया है, जिसके श्री मनोज कुमार सिंह चकबंदी अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं और उसका नंबर है 800-90-222-00। इसके अलावा 2 नंबर और हैं जो फिक्स फ़ोन के हैं, 252715 और 252879। अगर किसी के बारे में कोई जानकारी लगती है, किसी भी तरह की कोई जानकारी करनी हो या किसी कोई जानकारी देनी हो, तो इन नंबरों पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे क्रियाशील रहेगा, इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।